नमस्कार दोस्तों, वैदिक होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि समस्त वेदों का ज्ञान ही वैदिक ज्ञान है। दोस्तों, हल्दी में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, शुगर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम। इसके साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुणों से भी भरपूर होती है। हल्दी को मसालों की रानी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं हल्दी से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में। दोस्तों, जब सर्दी खांसी हो जाए और बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगे तो हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा मुँह में डाल लें। इससे बहुत जल्द आराम मिलेगा, या फिर हल्दी वाला दूध पीने से भी फायदा होता है। अगर मुंह में छाले हो जाएं तो मुंह में थोड़ी सी हल्दी छाले वाले स्थान पर लगाएं, छाले ठीक हो जाते हैं। अगर पेट में कीड़े हो जाएं तो हल्दी के उपयोग से पेट के कीड़े शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। दांतों में मसूड़ों की समस्या में भी हल्दी कई तरह से काम आती है। हल्दी में सरसों तेल और सेंधा नमक मिलाकर अगर दांतों में मसूड़ों में लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर कुल्ला कर लें तो मसूड़ों में होने वाली सूजन और दांत के दर्द या कीड़े में आराम मिलता है। हल्दी से मुंह से आने वाली दुर्गंध भी बहुत जल्द दूर हो जाती है। हल्दी हमारे शरीर के वजन को संतुलित करता है और शरीर के वजन को यह नियंत्रित रखता है। अगर किसी को कुछ भी याद रखने में परेशानी होती है तो उन्हें हल्दी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। हल्दी दिमाग को सही से ऑक्सीजन प्रदान कर याददाश्त को मजबूत बनाती है, तथा हल्दी के प्रतिदिन के सेवन से या रात में हल्दी वाला दूध पीने से तनाव में भी बहुत जल्द आराम मिलता है। दोस्तों, स्वस्थ शरीर ही जीवन की असली पूंजी है। इसी तरह वैदिक होम रेमेडीज के अगले एपिसोड में हम आपके लिए आयुर्वेद से जुड़ी घरेलू और रोचक जानकारियां लेकर वापस आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वैदिक ज्ञान को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।